Assalamu alaikum ji, fundamental of physics, Halliday, resnick, walker, 10th edition at chapter 42, nuclear physics, problem 58. Wo two radioactive nuclei hai jinko alpha-decay kar rahe hai, uranium-238 aur thorium-232. Phir wo kehta hai inme se ek beta-decay karta hai potassium ka, wo kehta hai abundant granite ke andar contribute significant karta hai heating the earth ko. जो इस डिके प्रोसेस में एनर्जी आ रही है वो कहता है जो अल्फा डिके का आइसोटोप है वो डिके चेन एक बनती है जिससे स्टॉप करते हैं स्टेबल लेड तक वो जाके जब रुकता है अब उसने ये स्टेबल एंड पॉइंट दिया हुआ है हमें वो कहता है अज्यूम करो ओनली वन पॉसिबल डिके एट दैट आइसोटोप तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अल्फा डिके करेगा ये अल्फा ये बीटा डिके करेगा हाफ लाइफ दे दिया एंड स्टेबल पॉइंट दे दिया है एनर्जी बता दी है और उसकी अबंडेंस बता दी है अब वो कह रहे हैं कि जनाब आपका F को अबंडेंस को हम पार्टिकल्स पर आपके पास मीटर बता रहे हैं उसे अबंडेंस के तौर पे ले रहे हैं तो अब आपके पास जो Q टोटल एनर्जी है यहाँ पे फाइनल और एंड पॉइंट F अबंडेंस आइसोटोप की इन किलोग्राम अब आपके पास आ जाएगा किलोग्राम पर ग्रेनाइट अच्छा जी तो अब आपके पास पार्ट्स पर मिलियन हम इसे कहेंगे ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होगा अब वो कहता है कि जी जो मटेरियल है वो आपके पास इस रेट पे डिके रेट एक तरह से दे रहा है हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ईच किलोग्राम ऑफ ग्रेनाइट ये कर रहा है अज्यूम करना है कि इतने किलोग्राम है 20 किलोमीटर की थिक क्रस्ट के ऊपर है वो कहता है एस्टिमेट करो पावर जो डिके की होगी फिर इसको कंपेयर करो टोटल सोलर पावर ऑफ जो अर्थ को रिसीव हो रही होती है अब आप रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन निकाल लेते हैं हम जानते हैं कि भाई डीई बाई डी टी आएगा आर क्यू आई के आर की जगह हम लैम्डा एन प्लेस कर सकते हैं और आई की चूंकि तीन केस हैं तो हम तीनों को आई वन से थ्री तक टोटल कंसीडर कर लेंगे लैम्डा की जगह हम क्या लगा सकते हैं नेचुरल टू ओवर टी हाफ और टी हाफ के साथ भी आई की वैल्यू क्योंकि तीनों की हाफ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होगी एन की जगह हम लिख सकते हैं मैस ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाई मैस ऑफ द एटॉमिक नंबर और साथ में क्यू आई आ जाएगा अब इसमें से चीजें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी जो सैंपल का मैस है वो हर एक की अबंडेंस अलग अलग है तो m into fi fi उनकी अबंडेंस बता रहा है कि कितने पार्ट्स पर मिलियन अवेलेबल है तो जनाब वाला अब इसमें से चीजें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे बाकी फैक्टर ऐसे ही कर लेंगे अब चूंकि 1 से 3 है एक आपके पास यूरेनियम है एक थोरियम है और एक पोटेशियम है तीनों के लिए अलग अलग ले लेंगे तीनों की अबंडेंस तीनों की एनर्जी तीनों का एटॉमिक मास तीनों की हाफ लाइफ तो अलग अलग पहले यूरेनियम के लिए कर लेते हैं अबंडेंस उसकी 4 माइक्रो थी पार्ट्स पर मिलियन था ना तो मिलियन आपके पास है 10^6 ऊपर जाके वो -6 हो जाएगा वो हमने लिख दिया 4 × 10^-6 फिर एनर्जी दी हुई थी हमें टेबल में 51.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे जूल में कन्वर्ट कर लिया एटॉमिक मास को कन्वर्ट कर लिया केजी में इसी तरह ईयर्स को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में यूरेनियम के लिए उसकी हाफ लाइफ गिवन थी इसी तरीके से थोरियम के लिए कहानी कर ली उसके भी आपके बर्नस दी हुई थी उसकी एनर्जी दी हुई थी एटॉमिक मास यूनिट और उसकी हाफ लाइफ को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया पोटेशियम के लिए भी यही सारी स्टोरी कर ली इस सारे को हल करेंगे 1 × 10^-9 वाट आएगा तो जो आप कंट्रीब्यूशन की बात करें ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी तो टोटल मिकदार बी पार्ट में हमें दे दी थी कि इतना मैस हो अब हम जानते हैं 1 kg से इतनी आपको रेडिएशन पावर मिल रही है तो वो हम वैल्यू पर केजी के लिहाज से लिख देंगे तो 2.7 × 10^13 वाट होगी और ये इंतहाई काम है अगर हम देखें सूरज से जो हमें हासिल हो रही है तो ये आपके पास इसका सलूशन है अगर आपको इस पे कोई बात पूछनी हो डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक के लिए इतना ही बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे ओके अल्लाह हाफिज़